ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका बहुत स्वागत है। कोरोना का आतंक है, शोर है, पूरी मंडी भरी हुई है, सैनिटाइजर नहीं मिल रहा है, मास्क नहीं मिल रहा है। एक बड़ा सवाल है आज और अभी, मैं आपके लिए घर में सैनिटाइजर बनाने की एक विधि लेके आया हूँ और ये विधि कोई सामान्य लोग नहीं पेश करेंगे आपके सामने। ये NBRI नेशनल बॉटलिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो भारत सरकार का संस्थान है, हमारे लखनऊ में मौजूद है। हमारे साथ डायरेक्टर प्रोफेसर SK बारिक साहब हैं, साइंटिस्ट डॉक्टर BN सिंह साहब हैं और रिसर्च स्कॉलर प्रतीक्षा हैं। आप तीनों आपको ये बताने वाले हैं कि हैंड सैनिटाइज़र, जिसकी बड़ी मांग है, कैसे घर में सस्ती दरों पर बनाया जा सकता है, जिसके लिए सारा सामान इजिली उपलब्ध है। तो अब हम आपको ले चलते हैं आप तीनों सीनियर्स के पास, तीनों स्पेशलिस्ट के पास, साइंटिस्ट के पास। आप देखें और समझें और इसका उपयोग करें। धन्यवाद पाठक जी, आपने AKTU का तरफ से हम लोगों को बुलाए और ये एक जो जॉइंट इनिशिएटिव है AKTU का और NBRI का, आज का देखते हुए जो कोरोना वायरस का इतना फैला हुआ है और इसमें खास करके सब लोग बोलते हैं, WHO का भी जो गाइडलाइन है कि हम लोगों का जो हैंड सैनिटाइजर उसको मारने के लिए सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। सो इस सिलसिले में आप जानते होंगे शायद NBRI बहुत दिन से हम लोगों का जो हैंड सैनिटाइजर बनाना, खास करके हर्बल कंपोनेंट को, प्लांट प्रोडक्ट को लेके बनाना, इसमें NBRI का काफ़ी एक्सपीरियंस है और ऑल्सो एक्सपर्टाइज है और इसमें भी हम लोगों का कुछ कमर्शलाइज प्रोडक्ट भी हैं। दो तरह का हैंड सैनिटाइजर बनता है, एक हैंड सैनिटाइजर जो अल्कोहल बेस्ड होता है और दूसरा वाला जो होता है नॉन अल्कोहलिक बेस होता है। नॉन अल्कोहलिक बेस में थोड़ा सा प्लांट मटेरियल का ज़रूरत पड़ता है, थोड़ा ज़्यादा टेक्नोलॉजी होता है और अल्कोहलिक में बहुत सिंपल होता है। सो हमको आजकल देखते हुए कि हैंड सैनिटाइजर मार्केट में नहीं मिलता है, लोगों को काफ़ी कठिनाई होता है और इस वायरस को कंट्रोल करने के लिए इसका बहुत ज़रूरत है, इसको सोचते हुए हमारा AKTU ने और NBRI जो नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, हम लोग दोनों डिसाइड किए हैं कि एक बहुत आसानी से कैसे हम लोग हैंड सैनिटाइजर घर में बना सकते हैं, इसका पद्धति आपको बताएं। सो इस सिलसिले में हम लोग सोचे कि जो मार्केट में मिल सकता है, आजकल तो मार्केट को जाना भी काफ़ी लोगों ने उसको प्रिकॉशनरी मेजर पर हम लोग थोड़ा सा कंट्रोल करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, इसलिए हम लोग सोचे कि जो ऑनलाइन मार्केट में मिलता है, जैसे अमेजन वगैरह लाइन में जो चीज़ मिलता है उसी को हम लोग यूज़ करेंगे, जैसे कि आपको बाहर जाना नहीं पड़ेगा फिर भी सामान आ जाएगा आपका पास और इतना ही इफेक्टिव होगा। सो जो रूल है WHO का कि 60-70% अल्कोहल हो जाएगा तो वो काफ़ी इफेक्टिव होता है इस वायरस को मारने के लिए, और शायद आपको पता होगा कि उसका जो प्रोटीन कोट है बाहर का वो मेल्ट कर जाता है और उसका जो RNA है, जो कि जेनेटिक मटेरियल है, वो एक्सपोज हो जाता है। उसके बाद क्या होता है कि वायरस पूरा इनएक्टिव हो जाता है, देन फिर लोगों के लिए खतरा नहीं बनता। सो जो अल्कोहल हम लोग आज बनाएंगे, अल्कोहल बेस पर जो बनाएंगे उसको आइसोप्रोपैनॉल बोलते हैं, जो कि अवेलेबल है और सेफ़ भी है। एक चीज़ जो होता है कि आइसोप्रोपैनॉल जो अल्कोहल है थोड़ा सा आपका स्किन को ड्राई कर देता है, इस मामले में एनी अल्कोहल बेस्ड जो मार्केट में मिलता है वो थोड़ा सा आपका स्किन को ड्राई करता है। इसके लिए हम लोग उसके साथ भी एक इस तरह सामान मिलाएंगे, जैसे ग्लिसरीन है, आप लोग सब जानते हैं, ग्लिसरीन उसको ऐड कर देंगे, कुछ फ्रैग्रेंस उसको ऐड कर देंगे, एलोए वेरा का जैसे जेल है उसको ऐड कर देंगे, तब जाके क्या होगा कि आपका जो ड्राइनेस है हाथ का वो भी चला जाएगा। सो ये पूरा फुल प्रूफ है, सेफ है और अपने आप से घर में बैठ के बना सकते हैं। और सबसे बहुत अच्छा बात इसका है, जो आपने बनाएंगे, मेरा साथी जो डॉक्टर ब्रह्मानंद सिंह है, वैज्ञानिक हैं, वो आपको इसका डिटेल बारे में बताएंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं 20% खाली लगेगा। मार्केट प्राइस जो होता है, सपोज आप 100 रुपया में एक बोतल ख़रीदते हैं हैंड सैनिटाइज़र, आपको वो खाली 20 रुपया लगेगा घर में बनाने से। आप देखिए आपका कैपेसिटी डेवलप हो जाएगा और शुद्ध तरीका से कैसे बनाना आपको सीखना आ जाएगा, इसके साथ आपका शुद्ध सामान मिलेगा और पैसा भी कम है। सो इसलिए मैं अभी बताऊंगा, हमारा जो वैज्ञानिक साथी हैं डॉक्टर BN सिंह और हमारा साथ हैं प्रतीक्षा, जो कि PhD कर रही है, रिसर्च स्कॉलर है हमारा NBRI में, वो प्रैक्टिकली आपको डेमोन्स्ट्रेट कर देगा कि कैसे बनता है। और डॉक्टर BN सिंह को मैं अभी रिक्वेस्ट करूँगा कि वो आपको बता देंगे थोड़ा सा डिटेल और कैसे इकोनॉमिकल इफेक्टिव होता ही है और क्या क्या कंपोनेंट उसमें लगता है। डॉक्टर BN सिंह हमारे साथी अभी बताएंगे आपको। धन्यवाद सर।
जैसा कि सर ने अभी आपको विदित कराया कि आजकल कोरोना वायरस का इन्फेक्शन बहुत है और इसको रोकने के लिए WHO ने भी बोला है कि दो तरीके से, एक तो हाथ हैंड वॉश करके अच्छे से सोप से कर सकते हैं, या दूसरा हैंड सैनिटाइजर, जिस पे कि लोग बहुत डिपेंडेंट हैं आज। तो इस सिलसिले में हम लोगों ने एक सिंपल स्टेप्स के साथ एक एल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर बनाने की पद्धति का यहाँ डेमोस्ट्रेशन करने के लिए AKTU ने इन्वाइट किया है, मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ। और इसमें बहुत कम कंपोनेंट्स हैं और कंपोनेंट जो भी हैं वो कोई भी व्यक्ति जो अपने घर पे बनाना चाहता है आज, जिसको मार्केट में नहीं मिल रहा, मार्केट में एक्सपोजर भी बहुत एक बड़ी प्रॉब्लम है, हर कोई एक दूसरे से बचना चाह रहा है, तो अपने घर में इन कंपोनेंट्स को वो ऑर्डर करके मंगा के और एक एल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर बना सकता है। तो इसमें जो एल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर बनाने के लिए अगर आप देखें तो इसमें सिंपल तीन कंपोनेंट मेन है, एक तो पॉलीमर है, जो ये पॉलीमर आपको अमेजोन या इंडिया मार्ट से मिल जाएगा, जिसे कहते हैं कार्बोपोल 940। कार्बोपोल 940 ये पॉलीमर है जिसे हम जेलिंग एजेंट की तरह, मतलब ये उसको गाढ़ा बना देता है, जिससे कि एक सेमी लिक्विड आपको हैंड सैनिटाइजर का बेस मिल जाता है। दूसरा इसमें एक कंपोनेंट यूज होता है, अगर आप देखें तो इस जेल में कन्वर्ट करने के लिए इस कार्बोपोल को एक न्यूट्रलाइजर होता है जो ट्राई एथनाएमाइन होता है, इथनॉल एमाइन, ये भी आप अमेजोन से या इंडिया मार्ट से इजीली ऑर्डर कर सकते हैं। तो आपको कहीं भी ये दिक्कत भी नहीं होना है कि ये कंपोनेंट्स हम कहाँ से लाएं, कैसे आएँ, इजीली आप इनको अरेंज कर सकते हैं। तीसरा, जैसे बताया कि एल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर स्किन को ड्राई करते हैं, तो उसको उससे बचने के लिए ये बहुत अच्छा है कि ग्लिसरीन, जैसे लोग जब ड्राई होती है स्किन विंटर में या एल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर से ड्राई हो रही है, तो ये ग्लिसरीन आप 2-5% अकॉर्डिंग टू जो जितना भी जिसको जैसा कंसंट्रेशन महसूस होगा वो कर सकते हैं। तीसरा, एलोवेरा जेल एक नेचुरल मॉइस्चराइजर है ग्लिसरीन के अलावा, अगर किसी के पास एलोवेरा जेल है तो वो उस एलोवेरा जेल को उसमें यूज कर ले। और तीसरा, जो एल्कोहल जो हम 60% बनाएंगे वो आप इथेनॉल, तो जो WHO ने रिकमेंड किया है कोई भी अल्कोहल हो सकता है, उसमें इथेनॉल हो सकता है, आइसोप्रोपेनॉल हो सकता है, तो ये दोनों परमिसेबल हैं। लेकिन इथेनॉल का थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि ये उस कैटेगरी में आता है कि इसके लिए थोड़ा सा लाइसेंस वगैरह और रेस्ट्रिक्शंस हैं। तो इसका दूसरा अल्कोहल वाला आइसोप्रोपेनॉल जो स्किन और इन सब के सैनिटाइजर के लिए परमिसेबल है, तो आप आइसोप्रोपेनॉल अल्कोहल चाहे इंडिया मार्ट से या फिर आप अमेजोन से ऑर्डर कर सकते हैं। और जैसे हमने कॉस्ट का सर ने आपको बताया कि कॉस्ट वाइज भी ये बहुत इफ़ेक्टिव है, आप अपने घर पे बना सकते हैं। सबसे अच्छी चीज़ ये है, आपको मार्केट में नहीं मिल रहा है और मार्केट के जो हैंड सैनिटाइजर है, जैसे हमने भी रिपोर्ट देखा है कि लोग तरह तरह से इस पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी का जो डिमांड है उसे पूरा कर रहे हैं, वो चाहे अल्कोहल हो ना हो, तरह तरह के हैंड सैनिटाइजर बना रहे हैं। तो यहाँ पे ये भी बहुत अच्छा बिंदु है कि जो हैंड सैनिटाइजर हम बना रहे हैं वो अल्कोहल बेस्ड ही हो, वही अल्कोहल हो जो जैसे WHO ने भी बताया है कि ये अल्कोहल जो है, चाहे इथेनॉल है, आइसोप्रोपेनॉल है, ये केवल किल कर सकते हैं कोरोना को। कोई भी केमिकल से जो मार्केट में मिल रहा है उसकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है, अच्छे ब्रांड तो ठीक हैं लेकिन उनका भी जो स्टॉक है ख़त्म हो गया। तो इन छोटे से 4-5 कंपोनेंट्स को यूज करके आप हैंड सैनिटाइजर बना सकते हैं। और बाद में, क्योंकि हैंड सैनिटाइजर अगर अल्कोहल बेस्ड आप बना रहे हैं, तो एक एरोमा जो मार्केट में सुगंधित असेंशियल ऑयल मिलते हैं, ये भी आप अमेजोन से या फिर आप इंडिया मार्ट से इनको ऑर्डर करके ले सकते हैं। और अपनी इच्छा अनुसार, जैसे कि अपनी इच्छा अनुसार कहते हैं कि किसी को एरोमा बहुत माइल्ड पसंद है, किसी को मीडियम, किसी को हाई, तो उस हिसाब से उसमें कुछ ड्रॉप्स मिला के उसको एरोमेटिक आप हैंड सैनिटाइजर, मतलब उसमें एक खुशबू भी बहुत अच्छी आएगी, प्लीजेंट लगेगा, तो उसे यूज करने में। डॉक्टर सिंह, और एक बात है जो कि तरह तरह का एरोमा होता है, किसी को सपोज साइट्रस का एरोमा पसंद है, किसी को लैवेंडर का है, सो आपका चॉइस का हिसाब से आप एरोमा भी ऐड कर सकते हैं। यस, सो घर में ही बैठ के ये सब कुछ आप, हाँ, चॉइस आपके पास बहुत बड़ी है, जिसको जैसा एरोमा पसंद आए वो एरोमा लेके इसमें ऐड कर। तो चलिए अभी देखते हैं कि प्रतीक्षा बनाएं और हम लोग देखें प्रतीक्षा, इसको क्या कहते हैं, आपको स्टेप वाइज बताएंगे और आप देखिए कितनी सरल विधि से ये बनेगा, तो आप बताइए। धन्यवाद सर। सबसे पहले हम एक नॉर्मल वाटर लेंगे, उसको हमें वाटर का क्वांटिटी जो है 40% रखना है
और अल्कोहल का क्वांटिटी 60% रखना है। तो हम पहले 40 ml वाटर लेकर के, जैसे 100 ml आप बना रही हैं yes, तो आप इसमें 40% क्योंकि वाटर रखना है और 60% अल्कोहल रखना है, तो सबसे पहले 40 ml आप वाटर ले लीजिए। इस वाटर को फिर क्या करना है? इस वाटर में पहले हम पॉलीमराइजर ऐड करेंगे। पॉलीमराइजर ऐड करने के लिए इसका टेम्परेचर वगैरह भी देना होगा। इसके लिए हमें ल्यूकवार्म वाटर चाहिए, 60 या 70% उसका टेम्परेचर हो, उस तरह का वाटर आप ले लीजिए। और इसमें ये जो पॉलीमर है उसको आप ऐड कर दीजिए। और इसका कंसंट्रेशन पॉलीमर का जो होगा वो कितना होगा इसमें? इसमें 0.2% पॉलीमर यूज होता है। इस पॉलीमर को हम इसमें धीरे धीरे से ऐड करेंगे और अच्छा, और साथ क्लंप, में चलाते क्लंप, क्लंप इसमें क्लंप नहीं बनना चाहिए, धीरे धीरे से हम इसको ऐड करेंगे। इसको हम एक ग्लास रॉड के माध्यम से इसको हम चलाएंगे और इसको ये तब तक हम चलाएंगे जब तक ये बिस्कस एकदम ना हो जाए, मतलब ये जो वाटर है इसमें ये मिक्स ना हो जाए प्रॉपरली, क्योंकि यहाँ पे ल्यूकवार्म वाटर 60% या 70% टेम्परेचर का चाहिए, 60 डिग्री। तो उसके लिए ये वो वाटर में ये धीरे धीरे मिक्स करेंगे। इसके लिए आपको इसको छोड़ना पड़ेगा रूम टेम्परेचर पे एटलीस्ट 1 hour or 2 hours इन बिटवीन। जैसे ही ये थिक हो जाता है, जैसे आप चलाते रहेंगे कंटिन्यू, तो फिर इट विल कन्वर्ट, ये जो है कन्वर्ट हो जाएगा एक थिक सॉल्यूशन में। अभी आप देख रहे हैं जैसे कि ये लिक्विड से है, दो घंटे के बाद ये देखिए एकदम टाइट विस्कस, पूरा पॉलीमर मिक्स हो गया, पूरा पॉलीमर मिक्स हो गया है सॉल्यूशन, जबकि पहले ये ऐसे था। हो गया है, अब हम इसमें अल्कोहल ऐड करेंगे जो 60 ml अल्कोहल है रिमेनिंग, आइसोप्रोपेनॉल अल्कोहल। थोड़ा सा ध्यान रखें कि 60% से अल्कोहल कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्टिव और कुछ है। आम दिन में तो चल जाता है, लेकिन ये वायरस को मारना है, इसीलिए 60% या अबव थोड़ा सा रखिए। इसको इसका मतलब ये है कि लगातार मिक्सिंग होती रहनी चाहिए इसकी, तो ये जेल में एकदम प्रॉपर मिक्स हो जाएगा और जो पॉलीमर के साथ जो बन के आएगा उसका सैनिटाइजर का बेस, वो बिल्कुल जेल बेस्ड फॉर्म में आ जाएगा। जैसे आप देख रहे हैं इसमें कि ये एकदम, और इसमें एक चीज़ और है कि जैसे किसी को जेल थोड़ा और थिक चाहिए तो वो पॉलीमराइजर की ड्रॉप एक या आधी बढ़ा सकता है, तो इसमें इस तरह का भी ऑप्शन है। ठीक है, तो मिक्सिंग प्रॉपर हो गया, मिक्सिंग बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप है, और मिक्सिंग कंटिन्यू करते रहिए, उसके बाद ये पूरा एकदम जेल बेस्ड में आपका सैनिटाइजर डेवलप हो जाता है। देन इसके बाद हम लोग ग्लिसरीन ऐड करते हैं जो मॉइस्चराइजर है, जिससे कि हाथों में जो ड्राइनेस आएगी वो उससे काफ़ी हद तक कंट्रोल होती है। और आप एलोवेरा जेल जैसे किसी के पास जैसे बताया था कि वो भी एक बहुत अच्छा नेचुरल मॉइस्चराइजर है, वो मिला देंगे तो और अच्छा है, वो स्किन को थोड़ा नरिश भी करता है, ग्लिसरीन भी करती है, लेकिन वो नेचुरल सोर्स भी हो जाएगा। तो ये डिपेंड करेगा कि आपके पास क्या अवेलेबिलिटी है, और ग्लिसरीन वगैरह ये सब ऑनलाइन मिल जाता है, एलोवेरा जेल भी मिल जाता है ऑनलाइन, तो वो भी मंगा सकते हैं आप। इसको बनाने के लिए करीब 5 drops ग्लिसरीन ऐड किया जाता है 100 ml के लिए। 5 drops आप ग्लिसरीन इसमें डाल दीजिए 100 ml के लिए, जो भी आप ये हमारा पास जो है लैवेंडर ऑयल है, उसको हम लोग ऐड कर रहे हैं। इसका कितना ड्रॉप्स डालना है आपको 100 ml में? सर 100 ml में 5 drops। 5 drops हो गया। और जैसे अभी किसी को अगर एरोमा जैसे ज़्यादा पसंद है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एरोमा चाहिए, तो इसकी अमाउंट बढ़ा दीजिएगा। किसी कंटेनर में, जैसे किसी कंटेनर में या बॉटल में, जिसमें आप रखना चाहते हैं, हम यहाँ पर इस बॉटल में ट्रांसफर कर देंगे।
चलिए धन्यवाद प्रतीक्षा। एंड अभी हम पाठक जी को बुलाते हैं कि पहले इसका शुरुआत वो करें। पाठक जी आइए, अभी आप इसको यूज़ करिए। प्रतीक्षा धन्यवाद, आपने अच्छा से बता दिए कैसे बनाना पड़ता है। अभी हम उसको यूज़ करने के लिए हमारा पाठक जी जो हैं, हमारा होस्ट हैं, उनको हम देंगे। पाठक जी उसको आप पहले यूज़ करिए और देखिए खुशबू कैसे हैं और कैसे फीलिंग हो रहा है। कि बहुत कम समय में, इतने कम समय में NBRI ने हमें एक ऐसा टूल दिया जिस पे हम इस्तेमाल करके और अपने हाथ को सैनिटाइज भी करेंगे और इससे खुशबू भी बहुत खूबसूरत। शुक्रिया सर, प्रतीक्षा, थैंक यू डॉक्टर सिंह, धन्यवाद। एंड सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप आए और आपने हमारे स्टूडेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए और आम जन के लिए एक सस्ती सी विधि बताई और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये लोग अपने घरों में बना के इस्तेमाल करेंगे और इसका लाभ दूर दूर तक लोगों को मिलेगा। शुक्रिया, आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद।